तीसरे मोर्चे से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार। यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। समाजवादी पार्टी के साथ जेडीयू करेगी गठबंधन। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश। कांग्रेस को नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस अभी तक दावा कर रही थी कि कोई भी मोर्चा बनेगा तो उसके नेतृत्व में ही बनेगा और दूसरा तीसरा नहीं बल्कि पहला मोर्चा होगा, लेकिन कांग्रेस की कोशिश पटरी से उतरती दिख रही है। नीतीश कुमार अभी तक कांग्रेस को प्रस्ताव दे रहे थे कि वो आगे आए और विपक्षी एकता की पहल करे। कांग्रेस ने तो पहल शुरू नहीं की, लेकिन नीतीश कुमार ने जरूर विपक्षी एकता की पहल शुरू कर दी है। बिहार में 7 दलों का महागठबंधन पहले से ही तय हो चुका है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हैं। इस महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नीतीश के साथ नहीं दिखाई दे रही है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। जेडीयू ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन करने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। इस गठबंधन से अखिलेश यादव को भी फायदा होगा। यूपी की 5% कुर्मी आबादी खासतौर पर बिहार से लगे यूपी के हिस्से पर नीतीश का प्रभाव माना जाता है और सपा को नीतीश कुमार के सहारे वोट को अपने पाले लाने में मदद मिलेगी। सपा की ओर से इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। अखिलेश यादव तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वो अमेठी और रायबरेली सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कांग्रेस के लिए इस बार सपा ने गठबंधन के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीट पर सपा ने उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू कर दी है और जब जेडीयू से गठबंधन की तैयारी कर कांग्रेस के लिए रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। इस बीच जेडीयू की ओर से एक बार फिर नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। फूलपुर और मिर्जापुर में से किसी एक सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बिहार की नालंदा सीट से भी वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। ये सभी सीटें कुर्मी बाहुल्य हैं। अगर नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की ओर से पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो इसका फायदा सपा को भी मिलेगा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सपा से गठबंधन की संभावना को लेकर कहा कि यूपी में जेडीयू अगर किसी दल से गठबंधन करेगी तो वो सपा होगी, सपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं जाएगी। ललन सिंह ने जातिगत जनगणना की सपा की मांग का समर्थन करते हुए कहा, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से कहा था, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बिहार में सभी दलों ने मिलकर तय किया है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद बिहार में ये काम शुरू हो चुका है। सपा और जेडीयू का गठबंधन होता है तो इसका प्रभाव 120 सीटों पर होगा, यानी 20% से ज्यादा सीटों पर यह गठबंधन प्रभावशाली होगा। अगर इस गठबंधन में टीएमसी, बीआरएस और आप भी शामिल हो जाती है तो करीब 225 सीटों पर यह गठबंधन असरकारक हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार गैर बीजेपी दलों के साथ संपर्क में हैं और जल्दी ही वो देश की यात्रा भी शुरू कर सकते हैं। इस बात के संकेत उन्होंने बिहार में अपनी समाधान यात्रा के दौरान ही दे दिए थे। बिहार के हाल के घटनाक्रम ने भी उन्हें ताकत दी है, क्योंकि लालू परिवार पर हुई छापेमारी के बाद अब नीतीश कुमार को अपना सीएम पद सुरक्षित दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब वो दिल्ली की लड़ाई पर फोकस करने की तैयारी में हैं, यानी देश में एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुबगाहट शुरू हो गई है और इसके केंद्र में नीतीश कुमार होने वाले हैं। जल्दी ही तीसरा मोर्चा आकार लेता हुआ भी दिख सकता है।